नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम हाजिर है आपके पास भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की खबर लेकर। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा सामने आ चुका है। और इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार करीबन 1.839 बिलियन डॉलर घटकर 584.2 बिलियन डॉलर तक ही रह गई है। तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब देश पूरी तरह से खुल चुका है तो इसी की कड़ी में आज खर्चा भी बढ़ा है। और सऊदी की देशों ने कोरोना काल में उनकी जितनी भी नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने के लिए आज तेल की उत्पादन में कटौती की है, और इसी की वजह से तेल की दाम में भी उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से खर्चा भी बढ़ा है। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में भी 1.839 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई है। लेकिन रशिया की अगर बात की जाए तो आपको पता ही होगा, जिस हफ्ते भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी जाती है उस हफ्ते रशिया का भी विदेशी मुद्रा भंडार गिरता है, और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने पर रशिया का भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। तो इसी की कड़ी में इस हफ्ते रशिया का भी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखी गई है और रशिया की विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते 7 बिलियन डॉलर गिर चुका है। और 7 बिलियन डॉलर गिरकर रशिया की विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते 590.4 बिलियन डॉलर तक ही रह गई है। और भारत अब रशिया की विदेशी मुद्रा भंडार के बहुत पास पहुंच चुका है और अब सिर्फ 6 बिलियन डॉलर ही पीछे रह गई है भारत रशिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। और ऐसा लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया को पछाड़ कर चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या राय है कि हम कब तक रशिया को पीछे छोड़ देंगे, नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।